जितना एक्सपेक्ट किया था इम्तियाज़ अली से उतना अच्छा मिला नहीं, और कुछ भी दिखाया है मतलब क्या दिखा रहे हैं, बहुत बकवास मूवी लगी, बहुत ख़राब मूवी लगी, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं था। सॉरी, केमिस्ट्री उन दोनों की अच्छी थी, लेकिन अगर स्टोरी देखेंगे तो पूरी लव आजकल सैफ अली खान की मूवी, और इनफैक्ट डायलॉग्स भी सारे वही रिपीट कर दिए हैं उसमें, और कुछ भी खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं मूवी। सॉन्ग्स अच्छे हैं, सॉन्ग्स अच्छे हैं। डायरेक्शन वाइज कैसे लगे? डायरेक्शन भी अच्छा है, बट स्टोरी इज नॉट टू गुड। एक्टिंग परफॉर्मेंस कार्तिक की अच्छी है, बाकी और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनकी भी अच्छी है, और सोहली खान की ओके लगी। लव आजकल कह सकते हैं लव आजकल, बट बहुत ज़्यादा जितना मतलब उम्मीद से आए थे कि चलो कुछ अच्छा होगा, वैसे मैं सच्ची बताऊँ मैं ये वो सोच के भी नहीं थी कि बहुत अच्छा होगा, बट ओके कुछ बहुत ज़्यादा। सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कार्तिक, सारा? मुझे सारा में इमोशंस कहीं नहीं दिखाई दिए, बहुत फेक लगा मुझे इमोशंस उनके जहाँ जहाँ भी सीन्स थे। कार्तिक का अच्छा लगा, दोनों में अच्छा था, कार्तिक 90s में भी एंड जो आज का था वो भी अच्छा लगा, एंड मुझे वो लड़की ज़्यादा अच्छी लगी जो 90s में दिखा रहे हैं। रणदीप का भी अच्छा था, क्या तो क्या जिस तरह से ये कहानी में दिखाया गया है वो कितना पसंद आया? डायरेक्शन ठीक ठाक है, बट मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया कि 90s में एंड आज में। इवन मैं तो सोच रही थी कि शायद मुझे ही कोई मैसेज मिले कि आज हम ये सब जो चलता है दिमाग में, बट मैं लास्ट तक सोचती रही कि ऐसा कुछ मुझे मिले, मैसेज मिले, बट मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कुछ कि कुछ चलो ठीक है जो तब होता था तो आज हम कर रहे हैं तो आज हम किस रास्ते पे जाएं, वैसा कुछ मैसेज मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ओके, सो ये वैलेंटाइन डे पे ये रिलीज हुई है, सो ऑडियंस इसको कितना एंजॉय कर पाएगी? वो वाली ऑडियंस एंजॉय कर लेगी क्योंकि उनको सिर्फ मस्ती करने के लिए यहाँ पे आना है, बट मूवीज़ वाइज एंड सारी चीज़ों को अगर देखते हुए देखा जाए, मैं उसी पर्पज से देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिल से पूछिए तो मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी। मूवी लंबी बहुत की है, स्लो बहुत की है, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है। सारा ने जो रोल बोल्ड न्यू युवती का रोल किया है करियर के हिसाब से वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन पिक्चर में स्टोरी में कोई दम नहीं लगी। मिक्स कर दिया उसने ओल्ड और न्यू को, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है और ज़रा भी मज़ा किसी को भी आया नहीं। इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इम्तियाज़ अली साहब इस पिक्चर को और बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये पिक्चर में दम नहीं निकला। अगर सॉन्ग्स की बात करूँ तो कितना एंजॉय किया? सॉन्ग्स में देखिए वो प्रीतम जी का लिरिक कंपोज किया हुआ है ना, तो वो गाने अच्छे हैं और उसमें वर्डिंग्स और म्यूजिक भी बहुत अच्छे हैं। आज के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट होगी, न्यू कमर या जो न्यू एज जनरेशन है वो भी, हमको नहीं लगता है कि उसको भी अच्छी लगेगी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मूवी वॉज द केमिस्ट्री बिटवीन कार्तिक एंड सारा सार्थिक, तो उन्हीं को मतलब देखते रहो कंटिन्यू, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग नेचुरली आ रहे हैं सब, उन लोग खुद से कुछ मतलब एक्टिंग कर ही नहीं रहे, असली में कर रहे हैं सब चीज़। बहुत ज़्यादा एंटरटेन की वजह बताया मैंने अभी, इंटरवल में उठने का मन नहीं हो रहा था, लग रहा था ब्रेक व्रेक आने ही नीचे चलते रहे, तीन की जगह 6 घंटे की मूवी चलते रहे इन लोग की, ऐसा लग रहा था। स्टोरी मतलब सब बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाली से सेम है, बट इट्स ओके, मतलब आजकल तो पूरी की पूरी मूवी सेम बना दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम है पर थोड़ा स्टोरी चेंज किया है, तो इट्स नाइस, मतलब अच्छा किया। ना तो मेरे, मैं खुद 19 इयर्स का हूँ उसमें, उनकी भी एज 22-23 है, तो क्वाइट रिलेटेबल है कि मतलब एक ही एज ग्रुप में हो रहा है तो एकदम रिलेट हो पा रहे हैं। हमारे यंग ग्रुप को तो बहुत, अगर एक बार ट्रेलर अच्छे से देखेंगे तो उनको तो बहुत एंगेज करेंगे, बट अब पता नहीं बड़े लोग बोलेंगे कि क्या ये मूवी देखना है, सब वो सब मत देखो। ले मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? मैं सिर्फ यही मैसेज लेके जा रहा हूँ कि अपनी सुनो, जैसे उन्होंने अपनी दिल की बात सुनी, करियर वरियर छोड़ो, तो जो दिल बोलता है वो करो करके। दोबारा देखने आज ही रात को आ रहा हूँ यहीं पे, फिर रिव्यू लेने आ जाना। बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज लव आजकल, आपने जब आप पार्ट 1 देख रखी हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बार बढ़ता है,
सो पार बढ़ा के नहीं आएंगे तो यू विल एंजॉय इट, अदरवाइज यू विल नॉट. सारा इज वेल, शी इज़ फाइन, जैसे आजकल की लड़कियाँ होती हैं, शी हैज़ डन इट, यू नो कन्फ्यूज्ड यंगस्टर्स, सो शी हैज़ डन इट वेल. एंड कार्तिक आर्यन इज वे बेटर इन अ गाय हु इज़ प्लेड अ 20-20 वाला पार्ट, ही इज़ बेटर इन दैट. ही इज़ गुड एज एवर, ही इज़ गुड एज एवर, यू ही विल नॉट डिसअपॉइंट, योर डायरेक्शन विल नॉट. I think the second part of Kartik Aaryan's where he has played really emotional guy, you know, the what Deepika played in the last movie. So you can relate it that way. One USP point. 2.5. One USP point. Pardon? USP point. USP point, music is good. For me, music was really good. I enjoyed the music. So, this is Valentine's Day. Audience is related. कर पाएगी, बहुत भर भर के प्यार मोहब्बत है. एंड इफ़ यू आर अ बिट इन टू दैट मोर ऑफ यू नो इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, यू डेफिनेटली विल बी टू डू इट. सो आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर गई थी इस मूवी से उस पे खड़ी नहीं. सर आपको मूवी कैसी लगी लव आजकल? फिल्म लव आजकल उसके इंटरटेन नहीं कर पाई और सिचुएशन पता नहीं कैसी कैसी डाल दी और रोमांस को नहीं समझा पाया. कार्तिक आर्यन जैसा एक्टर पति पत्नी वो मैं बहुत अच्छा इंटरटेन किया था पर इस फिल्म में नहीं कर पाया. क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? कर रहे थे कि लव आजकल से अच्छी हो पर उतना उसके तो आधे में भी नहीं आई. कार्तिक और सारा की परफॉर्मेंस, कह सकते हैं कि गुड गुड. अनन्या पांडे के साथ जितना या फिर इसके साथ में अच्छा था उतना इसमें नहीं मजा आया. उनकी केमिस्ट्री को आप एंजॉय कर पाए? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सीन में सिचुएशन क्या चल रहा है. इसमें रणदीप हुड्डा भी है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? उनका वो थोड़ा बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में उनकी स्टोरी आती है तो वो समझाने के लिए, पर फिर भी ठीक है, अच्छा है. ओके, डायरेक्शन वाइज इम्तियाज अली? डायरेक्शन वाइज कह सकते हैं कि बहुत अच्छा से सीन सेट किए गए हैं और लोकेशन अच्छी अच्छी हैं. हिमालय दिखाया है और पूरा मनाली दिखाया है, लद्दाख दिखाया है, तो अच्छा है सीन और डायरेक्शन भी अच्छा है पर इंटरटेन नहीं करा पाए. अगर बात करूँ इस मूवी की तो आपको कौन सा ऐसा पार्ट ज़्यादा पसंद है? पार्ट तो मेरे को नहीं पसंद आया, बस सारा अली खान की एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि चलो ठीक है अपने करियर के लिए फोकस करती है, बड़े बड़े इवेंट हायर करने के लिए अपनी मेहनत करती है और कार्तिक को छोड़ देती है, पर फिर जब उसके बाद में कमबैक करती है तो वो सिचुएशन मैच नहीं हुई, मज़ा नहीं आया. सॉन्ग्स कितने एंजॉय? सॉन्ग्स जितने भी थे कोई भी याद नहीं हुआ, बैकग्राउंड में चल रहे थे कुछ या फिर कुछ सिचुएशनल सॉन्ग थे जो कंडीशन के हिसाब से चल रहे थे. ये तो ऑडियंस ही बताएगी शाम तक, और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अच्छा है. इम्तियाज अली की फिल्म है, लोग उनके नाम पर देखने आएंगे फिल्म, पर मुझे नहीं लगता खास कमाल कर पाएगी. वेरी बैड, आई केम विद अ वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन की बहुत अच्छी मूवी रहेगी, इसका हाइप भी काफ़ी अच्छा था बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द मूवी. व्हाट अबाउट सारा एंड कार्तिक? सारा एंड कार्तिक का तो कार्तिक परफॉर्मेंस इज ओके, ही इज़ नॉट लाइक नॉर्मली जब इस रोमांटिक कॉमेडीज होता है तो ही इज़ लाइक दैट इज़ हिज फोर्टे, ही इज़ वेरी गुड एट दैट काइंड ऑफ रोल. यहाँ पे इज़ लाइक ही इज़ स्ट्रगलिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल सीन, तो ही स्ट्रगलिंग. उसका कैरेक्टर ही थोड़ा ऐसा व्हाट डू यू से थोड़ा शाय टाइप का दिखाया, सो वी आर नॉट यूज टू सीइंग कार्तिक आर्यन शाय, थोड़ा ऐसा यू नो अलग थोड़ा सख्त लौंडा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बहुत ही ढीला लगा है. एंड सारा अली खान इज़ लाइक इमोशनल सीन में शी ओवर एक्ट्स अ लॉट, तो इट वॉज नॉट अप टू द मार्क. वेयर एज इन केस ऑफ द न्यू गर्ल आरुषि शर्मा एंड कार्तिक आर्यन का, उन दोनों का सीन्स काफ़ी अच्छे थे, इट वेरी गुड. सो व्हाट अबाउट इम्तियाज अली का एक्शन? वेरी बैड, आई मीन बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मैन जब हैरी मेट सेजल वी नो वॉट हैपन विद दैट मूवी, सो आई थॉट दैट मेट बी लाइक वन मिस्टेक हैपन फ्रॉम हिम, बट वेन यू डिड दिस मूवी इज लाइक द सेकेंड मिस्टेक, यू कैन रिपीट द सेम थिंग अगेन. एंड वेयर एज इन केस ऑफ द मूवी, मूवी का स्टोरी सेम ही है जो लव आजकल वन में था, जस्ट थोड़ा स्क्रीन प्ले थोड़ा सा अलग है बट स्टोरी सेम ही है. जैसा वो पिछली मूवी में ऋषि कपूर उनकी पास्ट की स्टोरी बता रहे, इसमें रणदीप हुडा बता रहा है. सो बट स्क्रीन प्ले इतना ढीला रख दिया था, देर इज़ नथिंग फन एंड कुछ कॉमेडी सीन्स है ही नहीं, देर इज़ नथिंग लाइटर मूवमेंट्स इन द मूवी. सो व्हाट अबाउट रणदीप हुडा? रणदीप हुडा इज़ गुड, यू नो रणदीप हुडा ही हैज उनका ज़्यादा रोल नहीं है बट जितना भी है इज गुड. मैं तो बोलूँगा लोगों को वैलेंटाइन एंजॉय करना है तो तुम बाहर जाओ, यू नो हैव अ गुड टाइम रादर देन गोइंग टू दिस मूवी. अगर बात करूँ इस मूवी की तो कौन सा ऐसा पार्ट जो आपको पसंद आया? इसका सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छा है एंड लोकेशंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं.
इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे मूवी कैसी लगी, आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मूवी बहुत ही राइट टाइम पे रिलीज़ हुई है, लव आजकल, आजकल का जो प्यार है। मुझे मूवी बहुत ही एवरेज लगी। आई थिंक इससे पहले मलंग आई थी, उसमें भी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई गई थी और ड्रग्स सेक्स के ऊपर। ये मूवी में भी यही है, कैजुअल रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो इम्तियाज़ अली की मूवीज़ थोड़ी समझनी मुश्किल होती हैं, लेकिन ये मूवी का एक प्लस पॉइंट है, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक बहुत अच्छा है मूवी का, जो बांध के रखता है। एडिटिंग पे ध्यान दिया गया, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया मूवी को। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है अमित रॉय की। सो इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन अच्छा है, बट बहुत सारे रैंडम सीन्स है, बहुत कुछ दिखाया है। यू गो इन फ्लैश बैक देन यू कम बैक, तो इट्स अ क्लास, इट्स फॉर क्लास ऑडियंस, इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर। कार्तिक आर्यन सेम काइंड ऑफ रोल्स किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्यार का पंचनामा 1-2 उसमें मोनोलॉग था, फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, और अभी ये मूवी लवर बॉय का। ठीक है, आपने रोल किया, ही नीड्स टू टेक अप डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। लुक एट आयुष्मान खुराना, लुक एट राजकुमार राव, अगर उनको अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी है तो उनको अलग रोल्स अभी करने पड़ेंगे। सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑल थ्रू द मूवी, इवन दो ही हैड टू डिफरेंट रोल्स। आई थिंक उनसे मुश्किल सारा अली खान का रोल था, कि यू नो शी हैड सच अ टफ रोल, गमट ऑफ इमोशंस, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एक्साइटेड, शी इज़ डिप्रेस, शी इज़ इरिटेटेड, शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, और वो सब समअप होकर एक लास्ट सीन में आ जाता है, वे यू नो शी ब्रेक्स डाउन बिकॉज शी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, शी गेट्स इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स। ऑन द अदर हैंड कार्तिक आर्यन का भी वही है, यू नो ही इज़ फ्रिवलस, ही फ्लर्ट्स अराउंड, ही गेट्स इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो वही दिखाया गया कि आजकल का लव जो आजकल है, बहुत ही पीपल हैव टेकन ईच अदर फॉर ग्रांटेड, कैजुअल रिलेशनशिप्स है, कैजुअल सेक्स हैं, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर। बेस्ट थिंग इज द म्यूजिक। आई थिंक म्यूजिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। प्रीतम का एक गाना है शायद, फिर एक मेहरमा, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड। म्यूजिक बांध के रखता है मूवी का, और स्क्रीन प्ले पर ध्यान देना चाहिए था। इवन दो स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी है जो लोगों को आज रियलिस्टिक लगेगी, रिलेटेबल लगेगी आज की यूथ को, क्योंकि इट इज़ हैपनिंग इन अ सोसाइटी, बट उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। रिलेट कर पाएगी, स्पेशली यूथ यंगस्टर्स बहुत थे और वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो दे गेट इन टू सच कैजुअल रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि आजकल रिलेशनशिप यू नो बहुत आसान है, एक रिलेशनशिप में पढ़ना और उससे बाहर निकलना, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वो जो पहले की संजीदगी होती थी, पुराने ज़माने में लोग लेटर लिखते थे और फिर एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। सो पीपल हैव टेकन, आई एम सेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, दैट दे हैव टेकन लव फॉर ग्रांटेड। तो ये इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग इफ़ यू वॉन्ट कंपैटिबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, इफ यू वॉन्ट टू बी हैव दैट पेशेंस यू नो टू वेट फॉर ईच अदर, टू गिव ईच अदर स्पेस। आजकल स्पेस नहीं देते, अगर कोई यू नो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं करता तो शी कीप्स ऑन कॉलिंग, मुझे फ़ोन नहीं किया, बिकॉज इतना यू नो दे आर अवेलेबल टू ईच अदर ऑल द टाइम, सो इट इज़ नॉट राइट। ओके, सो ऑडियंस मैसेज कुछ लेकर जाएगी? मैसेज ये कि डोंट यू नो योर रिलेशनशिप वॉट एवर इट इज़, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, नंबर वन। नंबर टू, डोंट गेट इन टू कैजुअल रिलेशनशिप्स। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स इज मच मोर देन दैट। एंड नंबर थ्री इज़ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन लव एंड सेक्स, कि यू नो लव बहुत ही इंटेंस चीज़ है। यू नो हम हीर रांझा की बात करते हैं, सोनी महिवाल, तो ये बहुत ही यू नो इंटेंस चीज़ है। लोग एक दूसरे के लिए मर जाते थे, यू नो अगर उनका पूरी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इटर्नल रिलेशनशिप, कहते हैं सात जन्मों का जो बंधन है, तो वो बंधन को आप यू नो इस ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप में पढ़ के बदनाम मत कीजिए। ओके, सो आपने बोला कि आपको सॉन्ग्स पसंद आए, अगर दो लाइन कोई भी सॉन्ग? नहीं, इट्स ओके, आई जस्ट गॉट सो इमोशनल टुवर्ड्स द एंड, इन वन सीन सारा अली खान शी ब्रेक्स डाउन। एक और मुझे इनका किरदार बहुत अच्छा लगा, रणदीप हुड्डा का, बहुत ही रिस्ट्रेंड और ठहराव वाला कैरेक्टर है। एंड देर इज़ वन न्यू गर्ल आरुषि, इवन हर रोल इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक सारा अली खान इज़ नोट वर्दी। पहली मूवी में सैफ अली खान ने इतना क्लासी और बढ़िया किरदार निभाया, अभी उनकी बेटी सारा अली खान, तो कूडोज टू बोथ ऑफ देम। 2.5 डेढ़ या दो बहुत हो, 5 out of 5 2.5 इम्तियाज अली के लिए 1 star।